दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में फिल्मी अंदाज में भाग रहे चार गो तस्करों को पुलिस और गो रक्षकों ने मिलकर दबोच लिया। पकड़े गए चारों तस्कर नूह जिले के रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से 26 गायों को छुड़ा लिया गया। लेकिन पकड़े जाने से पहले गो तस्करों ने पुलिस और गो रक्षकों को जमकर छकाया। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने बीच सड़क पर ही ट्रक को फिल्मी अंदाज में घुमा दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे बीच सड़क पर कोई स्टंट चल रहा हो। असल में गुरुग्राम पुलिस और गो रक्षकों को इस बात की भनक लगी थी कि कुछ तस्कर दो ट्रकों से गायों को ले जा रहे हैं। फिर क्या था, गो रक्षकों के साथ मिलकर पुलिस ने उनका पीछा शुरू किया। लेकिन पुलिस को देखकर गो तस्कर ट्रक को केएमपी एक्सप्रेसवे यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर बड़ी तेजी से भगाने लगे। कई किलोमीटर दूर तक उनका पीछा किया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस और गो रक्षकों की टीम उनके पास पहुंची, तस्करों ने अचानक बीच सड़क पर ट्रक को मोड़ दिया। एकाएक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रक सड़क पर एक पूरा चक्कर लगाते हुए सीधा खड़ा हो गया। और गनीमत यह रही कि ट्रक पलटा नहीं, क्योंकि अगर वो पलट जाता तो वहां बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इसके बाद भी तस्करों ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि पुलिस से बचने के लिए वो ट्रक लेकर एक बार फिर भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस और गोरक्षकों ने फिर से उनका पीछा करना शुरू किया। इसी बीच सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ते ट्रक के ऊपर दो तस्कर चढ़ गए, ताकि ट्रक के रुकने पर वो कूद कर भाग सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़ी ही दूर जाने के बाद तस्करों ने ट्रक को सड़क किनारे रोक दिया, जिसके बाद उस पर सवार तस्कर भागने लगे। हालांकि पुलिस और गोरक्षकों की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि तस्करों ने पीछा कर रहे गोरक्षकों पर गोलियां भी चलाई थी। बाद में तस्करों के कब्जे से दो ट्रकों में भरी 26 गायों को छुड़ा लिया गया। इस दौरान आरोपियों के पास से एक पिस्तौल भी बरामद की गई।